बेटा कैसे हैं आप सब लोग। बेटा आज हम Lecture-3 लेकर आए हैं काइनेटिक थ्योरी का, और आज के लेक्चर में हम गैस लॉज जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। बेटा हमारे पास ये सिक्स गैस लॉज हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, और इनको हमें प्रूफ भी करना है। लाइक इन केमिस्ट्री वी डोंट प्रूफ देम, बट राइट नाउ विल ट्राई टू प्रूफ देम आल्सो, राइट। और जो फॉर्मूला हमें इसके लिए यूज करना है वो फॉर्मूला हमने Lecture-2 में ड्राइव किया है, एंड इट इज बेसिकली P इज इक्वल टू 1/3 m/v c2। होप यू रिमेम्बर दैट। और बेटा Lecture-2 आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है, प्लीज टेल मी थ्रू द कमेंट्स। एंड अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज वीडियो लाइक कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ओके सो ओके बेटा, आज हम ये चार बेसिक्स लॉ जो हैं इनको डिस्कस करेंगे। सो इन टुडे लेक्चर वी विल कवर बॉयल्स लॉ, इसका हम बेटा स्टेटमेंट देखेंगे और इसको हम प्रूफ करेंगे। देन वी विल सी चार्ल्स लॉ, सेम वी विल प्रूफ इट आल्सो, एंड देन गेलसाक्स लॉ, एंड देन एवोगैड्रोस लॉ। तो बेटा आज के लेक्चर में, दैट मीन्स Lecture-3, विल कवर दीज फोर लॉज विद देयर प्रूफ, राइट। लॉ नंबर 5 एंड लॉ नंबर 6। लॉ नंबर 5 इज बेसिकली ग्रैम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, और इसके साथ कुछ एक दो प्रूफ और हैं जो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम कर सकते हैं। उनको हम बेटा जो अगला लेक्चर, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा Lecture-4, उसमें कवर करेंगे। तो चलिए, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, शुरू करते हैं। ओके बेटा, नाउ वी डिस्कस द बॉयल्स लॉ, द फर्स्ट गैस लॉ दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। और बेटा पहले इस लॉ को हम समझने की कोशिश करते हैं, राइट। सो लेट अस से मेरे पास एक सिलेंडर है जिसमें मैंने एक मूवेबल पिस्टन लगा रखा है। इट कैन फ्रीली मूव अप एंड डाउन, राइट। और इसमें सिलेंडर में मैंने कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं, राइट। और अब मैं ना तो इस सिलेंडर में से गैस के मॉलिक्यूल्स कुछ बाहर निकालूंगा, ना ही इसमें कुछ और ऐड करूंगा। दैट मीन्स कि जो इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो फिक्स रहेंगे, राइट। सो लेट अस से कि जो टेम्परेचर है अभी इस गैस का, उसको हमने ले लिया है टी, उसको हमने ले लिया है टी, और इस टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखने वाले हैं। तो हम टेम्परेचर ना तो कम करेंगे और ना ज्यादा करेंगे गैस का, राइट। सो उससे होगा क्या कि इसके अंदर के जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी जो वेलोसिटी है, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी, राइट। नाउ टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए अगर अब इस गैस का जो वॉल्यूम है, इस गैस का वॉल्यूम अगर मैं चेंज करता हूं, लेट अस से कि मैं इस गैस का वॉल्यूम जो है कम कर रहा हूं, मैं इस गैस का अगर वॉल्यूम कम कर रहा हूं, दैट मीन्स कि आप इस गैस का वॉल्यूम जो है वो कम कर रहे हैं, राइट। तो बेटा इस गैस का जो प्रेशर है वो बढ़ेगा, इस गैस का प्रेशर जो है बढ़ेगा। उसकी वजह क्या है कि अब ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये और फ्रिक्वेंटली ये जो वॉल्स है सिलेंडर की और ये पिस्टन है इस पर जाकर कोलाइड करेंगे, और फोर्स परमिट एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और द फोर्स परमिट एरिया जो है वो इंक्रीज हो गया है विद इन अ टाइम ड्यूरेशन, तो बेटा प्रेशर जो है ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। एंड लेट अस से कि अगर मैं इस गैस का जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूं, वॉल्यूम को मैं अगर इंक्रीज कर रहा हूं, सो बाय द सेम एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि आप अब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है बेटा प्रेशर इस गैस का डाउन आ जाएगा, राइट। हम एक क्वांटिटी को जब बढ़ा रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी घट रही है, और जब हम इस क्वांटिटी को घटा रहे हैं दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है। तो बेटा इस तरह की रिलेशनशिप को हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। सो
चलिए अब इसका हम स्टेटमेंट देखते हैं बॉयल्स लॉ का, एंड इट सेज दैट द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड, द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड इट इज अ कीवर्ड, द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जैसा अभी हमने देखा, टू द प्रेशर पी ऑफ द गैस इफ टेम्परेचर ऑफ गैस रिमेन कॉन्स्टेंट, राइट। ये भी एक बहुत जरूरी कीवर्ड है, एक बहुत जरूरी फैक्ट है इस पर्टिकुलर लॉ का, एक बहुत जरूरी इसकी कंडीशन है, राइट। अगर हम टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं रख रहे हैं then this law is not valid, right? So let us say that the volume of gas is V and the pressure of gas is P. So we can write it down, P is inversely proportional to 1 by V. So what can we write down here, that P V is equal to constant. PV is equal to constant, right? Because ये proportionality का sign अगर हमें हटाना है, then we have to introduce a constant. So let us say P is equal to constant divide by V. So PV is equal to constant, right? बेटा ये जो particular law आया है, इसको जब हम numerical में use करेंगे, so basically इससे एक रिलेशनशिप जो है वो इन्वेंट हो जाएगा, लाइक P1V1 इज इक्वल टू P2V2 इज इक्वल टू P3V3 एंड सो ऑन, ये सब चीजें जो है आपस में बराबर होंगी, राइट। सो इन न्यूमेरिकल वी आर गोइंग टू यूज दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन। बेटा चलिए अब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, जो बेटा बॉयल्स लॉ के लिए हमने ये ग्राफ जो है बनाया है, ये ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में हमने बनाया है और डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर बनाए हैं, राइट। सो बेटा ये जो सॉलिड लाइंस के कर्व हैं, ये एक्सपेरिमेंटल हमारे कर्व्स हैं, जो एक्सपेरिमेंटल कर्व हमें अचीव हुए हैं ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल, राइट। और ये जो डॉटेड लाइंस है बेटा, येलो कलर से जो कर्व हमने दिखाए हैं, ये आइडियल कर्व है, राइट। और देखिए यहां पर ये जो ब्लू लाइन से आपको ये कर्व दिखाई दे रहा है, इट इज फॉर टेम्परेचर T1 जो हमने बनाया है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, और ये जो डॉटेड लाइन से यहां पर हमने कर्व बनाया है, ये आइडियल कर्व है जो बॉयल्स लॉ को एज इट इज जो है ये फॉलो करेगा। सो दिस इज द आइडियल प्रेजेंटेशन ऑफ द कर्व एंड दिस इज द एक्सपेरिमेंटल रियल प्रेजेंटेशन ऑफ द कर्व, राइट। So, इसी तरह से बेटा सेम कर्व फिर हमने जो टेम्परेचर है T2 उस पर बनाया, ये आपको पिंक लाइन से दिखाई दे रहा है, और इसका आइडियल कर्व जो है ये आपको येलो लाइन से दिखा रहा है T2 से, राइट। देन वी हैव मेड द सेम कर्व ऑन टेम्परेचर T3, ये ग्रीन लाइन से आपने बनाया, तो ये तो एक्सपेरिमेंटल कर्व है, और ये जो येलो लाइन से डॉटेड लाइन से आपको कर्व दिख रहा है, ये आपका आइडियल कर्व है, राइट। और जो टेम्परेचर्स के बीच में रिलेशनशिप है बेटा, T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3, यानी कि T3 में सबसे कम टेम्परेचर पर है और T1 जो है इट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर, राइट। बेटा ये ग्राफ जो है हमारा, जो एक फाइंडिंग थी, जो ऑब्जर्वेशन थी रिगार्डिंग द गैसेस, और हमने आइडियल गैस के टाइम पर भी ये डिस्कस किया था, व्हेन वी आर डिस्कसिंग द आइडियल गैस इन लेक्चर नंबर 2, दैट के नॉर्मली जितनी भी गैसेस हैं वो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर आइडियल गैस के रेस्पॉन्स को अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश करती हैं, उन्हें मीटअप करने की कोशिश करती हैं, राइट। ओके, सो यहां पर इस अगर ग्राफ को हम एनालिसिस करें, तो एट लो प्रेशर बेटा, लो प्रेशर रेंज ये है, इसके अगेंस्ट ये लो प्रेशर, क्योंकि इधर हम जा रहे हैं तो प्रेशर आपका बढ़ रहा है, तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर मींस T1 आपका सबसे ज्यादा है, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर जो गैसेस हैं उनका रिस्पॉन्स जो है वो बिल्कुल एक आइडियल गैस की तरह हो जाता है, उसको मीटअप करने की कोशिश करता है। सो लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर जो हमारे एक्सपेरिमेंटल कर्व हैं, ये लगभग 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 एक्यूरेट होने लगते हैं हमारे आइडियल कर्व्स के, राइट। तो ये ग्राफ जो है दोबारा से जो हमारा एक अजम्पशन था, जो दोबारा से हमारी एक जो फाइंडिंग थी, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, राइट।
ओके बेटा, चलिए अब फटाफट जो है हम बॉयल लॉ का जो है प्रूफ देख लेते हैं, और बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही छोटा सा इसका एक प्रूफ है। लेट अस सी बेटा। एज वी नो कि प्रेशर एग्जर्ट बाय द गैस इज इक्वल टू 1/3 कैपिटल एम बाय वी एंड सी स्क्वायर, वेयर कैपिटल एम इज द टोटल मास ऑफ गैस, V is the total volume of the gas, and C is the root mean square speed of the gas, right? So from here, what I can do, PV is equal to 1/3 mc square, right? अब बेटा ये जो इक्वेशन है इसका, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है? यहां पर अगर हम देखें, सो दिस इज 1/3 इज द कांस्टेंट एंड कैपिटल एम, क्योंकि हमें जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ना तो घटाना है ना बढ़ाना है, उनको सेम रखना है, सो एम इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट, सो एम विल बी द कॉन्स्टेंट, राइट? और ये जो सी स्क्वायर है बेटा, क्योंकि हमने टेम्परेचर को जो रखा है कॉन्स्टेंट रखा है, और जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है इट इज प्रोपोर्शनल टू टी बेसिकली। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा देन इट विल इंक्रीज, अगर टेम्परेचर घटेगा देन इट विल डिक्रीज, राइट? सो मोर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ऑल्सो कॉन्स्टेंट, राइट? सो बेटा ये जो पूरी टर्म है राइट हैंड साइड की, जो पूरी टर्म है इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट। सो व्हाट वी हैव, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट? प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर विल रिमेन कॉन्स्टेंट, प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर विल रिमेन कॉन्स्टेंट। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ बॉयल्स लॉ, राइट? ओके बेटा, अब चार्ल्स लॉ को डिस्कस करते हैं, और इस लॉ को समझने के लिए बेटा हमने एक सिलेंडर ले लिया है जिसमें गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स हमने ले लिए हैं, ओके? और इसमें एक ये पिस्टन लगा है जो फ्रिक्शन लेस है, ये फ्रीली अप एंड डाउन मूव कर सकता है ड्यू टू द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स, राइट? चलिए नाउ लेट अस से कि अभी जो सिचुएशन है इसमें जो गैस का जो वॉल्यूम है इट इज डिनोटेड बाय वी, और जो अभी गैस का टेम्परेचर है इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी, और बेटा जो प्रेशर है गैस का दैट इज पी इज इक्वल टू, इसको हमने कांस्टेंट रखना है। दैट मीन्स कि थ्रू आउट द प्रोसेस ये जो प्रेशर पी है ये कांस्टेंट रहेगा, तो ये एक कंडीशन है चार्ल्स लॉ की कि प्रेशर आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, राइट? नाउ अगर इस गैस का टेम्परेचर मैं बढ़ाता हूं, इस गैस के टेम्परेचर को मैं इंक्रीज करता हूं, तो बेटा मैं क्या देख रहा हूं कि इस गैस का वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर यहां पर इंक्रीज करेंगे तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस पिस्टन को ऊपर की तरफ, क्योंकि उनके गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो ये जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ मूव होगा। दैट मीन्स अगर टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं तो गैस का वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ता है, राइट? अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ओके? और अगर टेम्परेचर आप डिक्रीज कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर आप डिक्रीज कर रहे हैं तो ये पिस्टन भी जो है ये नीचे की तरफ मूव हो जाता है, दैट मीन्स कि वॉल्यूम भी जो है गैस का वो डिक्रीज हो जाएगा। अब चार्ल्स लॉ का जो है स्टेटमेंट उसको हम पढ़ते हैं और अपने इस एक्सपेरिमेंट से उसे कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। सो द वॉल्यूम वी ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस प्रोवाइडेड प्रेशर ऑफ गैस विल रिमेन कॉन्स्टेंट। दैट मीन्स फ्रॉम हेयर वी कैन राइट डाउन V is proportional to the temperature and the condition is P will remain constant. This is our condition कि प्रेशर जो है इसको कांस्टेंट रहना है, राइट? सो फ्रॉम हियर व्हाट आई कैन राइट डाउन दैट V इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड इनटू टेम्परेचर, सो V बाय T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो बेटा ये हमारा रिलेशनशिप है, ओके? एंड फ्रॉम दिस न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू हम क्या लिख सकते हैं, V1 अपॉन
upon T1 is equal to V2 upon T2 is equal to V3 upon T3 and so on. So this particular relationship is going to help us to handle the numerical problems, right? Okay. चलिए बेटा अब हम इस लॉ को प्रूफ करेंगे. ओके बेटा चलिए अब चार्ल्स लॉ का हम प्रूफ देखते हैं और देखते हैं कि काइनेटिक थ्योरी के हेल्प से हम किस तरह से इसको हम प्रूफ कर सकते हैं, राइट? सो बेटा एज वी नो P इज इक्वल टू 1 बाय 3 कैपिटल M बाय V एंड C स्क्वायर. इस इक्वेशन को बेटा मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं दैट V इज इक्वल टू 1 बाय 3 M अपॉन P एंड C स्क्वायर, राइट? ओके नाउ बेटा ये जो राइट हैंड साइड की जो हमारी क्वांटिटीज हैं हम थोड़ा सा इन पे कंसंट्रेट करते हैं. सो 1 बाय 3 इज ऑब्वियसली कांस्टेंट और कैपिटल M ये तो बेटा कांस्टेंट है ही क्योंकि फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस हैं. एंड P इज बेसिकली द प्रेशर और बेटा इसको हमें कांस्टेंट रखना है. P को हमने कांस्टेंट रखा, राइट? और नाउ व्हाट इज रिमेनिंग इज C स्क्वायर, राइट? और बेटा C स्क्वायर जो है वो प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, राइट? सो C स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. सो फ्रॉम दिस रिलेशनशिप आई कैन से दैट के दिस होल टर्म इज कॉन्स्टेंट. अगर प्रेशर भी मैंने कॉन्स्टेंट कर लिया तो ये पूरी की पूरी टर्म जो है आपकी कॉन्स्टेंट हो जा रही है. और ये जो C स्क्वायर है ये टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, राइट? So we can write down V is directly proportional to the temperature, right? And from here we can write down V by T is equal to constant. So this is the proof of Charles' law. As simple as that. Okay, beta. नाउ चार्ल्स लॉ के लिए एक ग्राफ हमने बनाया है आपके लिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं, राइट? सो ये ग्राफ बनाया है हमने टेम्परेचर और वॉल्यूम के अगेंस्ट और गैस के डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर हमने रखे हैं. अलग अलग प्रेशर पर हमने इन ग्राफ्स को बनाया है. तो यहां पर द फर्स्ट थिंग इज दैट के व्हाट वी हैव इज जो पी वन है It is greater than P2. और बेटा ये जो dotted line है ये ideal Charles law cover को ideal Charles law को cover करती है, right? और ये जो solid lines है green color और blue color से ये हमारा experimental curve है, right? और बेटा यहाँ पर भी जो हम देख पा रहे हैं वो क्या है कि at high temperatures एंड लो प्रेशर जो गैस है वो आइडल जो कर्व है उसको अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश करती है. ये देखिए ये वाला जो रीजन है ये लो टेम्परेचर का रीजन है और लो टेम्परेचर के रीजन में आप देख पा रहे हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल कर्व है हमारा वो आइडियल कर्व से बहुत डिफरेंट है, राइट? सो अगेन हमारा जो कंसिडरेशन था कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर जो गैसेस हैं नॉर्मल गैसेस जो हैं वो आइडियल गैस के बिहेवियर को अप्रोक्सीमेट करती हैं उसका दोबारा से देखिए हमें यहां पर कंफर्मेशन मिल रहा है, राइट? ओके बेटा अब थर्ड गैस लॉ को हम डिस्कस करते हैं जिसका नाम है गेलुसैक लॉ, राइट? सो इस लॉ को समझने के लिए भी बेटा हमने वही पुराना सिलेंडर अपना ले लिया है. इसमें गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं और ये एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन इसमें लगा है, राइट? नाउ अगर गैस का वॉल्यूम अभी इनिशियल स्टेज में हमने V लिया है, राइट? और बेटा इस वॉल्यूम को हमें कांस्टेंट रखना है थ्रू आउट द प्रोसेस. दिस इज द कंडीशन ऑफ गेलुसैक लॉ, राइट? Now, अगर ये वॉल्यूम हम कांस्टेंट रखते हैं तो इस गैस का जो प्रेशर है P और लेट अस से कि अभी टेम्परेचर है कितना T, राइट? तो बेटा अगर मैं इस गैस का टेम्परेचर बढ़ाता हूं
बढ़ाता हूं, इन दैट केस जो गैस प्रेशर एक्सर्ट कर रही है वॉल्स पर, पिस्टन पर बेटा, वो भी बढ़ेगा, एंड इट इज क्वाइट ऑब्वियस, राइट। और अगर ये टेम्परेचर मैं डिक्रीज करता हूं तो ये प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो अगर हम किसी भी गैस के फिक्स वॉल्यूम ऑफ गैस, फिक्स मास ऑफ गैस हमने ले रखा है, उसका वॉल्यूम अगर हम कॉन्स्टेंट रखते हैं और उस गैस का जो टेम्परेचर है, जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, उसको अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि गैस जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है वो भी इंक्रीज हो रहा है, और अगर उस टेम्परेचर को हम कम कर रहे हैं तो प्रेशर भी कम हो रहा है, राइट। इट्स सिंपल इंडिकेट द फैक्ट दैट प्रेशर पी इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर टी, right, provided the condition is the volume will remain constant, the volume will remain constant, okay. So from here beta we can write down P by T is equal to constant, P by T is equal to constant, right. So from this relation we can easily write down for the numerical purposes that P1 T1 is equal to P2, T2, and so on, P3, P3, and so on, right? So, this is the Gay-Lussac law. Okay, beta. Now, we will prove this law. As we know that from the kinetic theory, obviously, P is equal to 1 by 3 m by v and c square, right? और बेटा अगर मैं right hand side को देखूं तो this m is equal to constant और v आपने constant रखना है, right? और c square that is root mean velocity या root mean speed is directly proportional to temperature, right? So what we have, it's simply P is proportional to temperature. P is proportional to temperature, provided volume remain constant. So, this is the proof of Gay-Lussac law. Okay, students, चलिए अब gas law number 4 को हम समझने की कोशिश करते हैं. और बेटा ये law है Avogadro's law. बेटा इस लॉ को समझने के लिए हमने दो गैस ले ली हैं, गैस ए और गैस बी, और इन गैसेस को हमने आइडेंटिकल कंटेनर्स के अंदर डाल दिया है, राइट। नाउ लेट अस से कि दोनों गैसेस का जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है वी, और ये दोनों गैसेस जो हैं एग्जैक्ट प्रेशर, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम प्रेशर ही एग्जैक्ट कर रही है, जिसको हमने ले लिया पी, और दोनों गैसेस का जो टेम्परेचर है वो भी है टी। तो बेटा अगर इस तरह की सिचुएशन है तो इन दिस सिचुएशंस द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ए दैट इज लेट अस से एन ए विल बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस बी। दैट मींस कि बेटा अगर हमने इन दोनों गैसेस का वॉल्यूम सेम लिया था तो अंडर द आइडेंटिकल यानी कि सेम कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों गैसेज में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम रहेंगे, राइट। इसी कॉन्सेप्ट को हमने स्टेटमेंट के थ्रू भी बताया है, एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ एवोगैड्रोज लॉ, एंड व्हाट इट सेज इट स्टेट दैट द इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेज अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस यानी कि सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर और वॉल्यूम बेसिकली तीनों ही अगर सेम हैं, इन दैट केस प्रेशर कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो उन गैसेस में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम, राइट। बेटा अब इस लॉ का हमें प्रूफ देखना है, एंड लेट अस सी के हाउ सिंपली वी कैन प्रूफ इट। ओके बेटा, लेट अस से वी हैव टू गैसेस विद अस, और उन गैसेस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं गैस ए से और गैस बी से, राइट। हमारे पास दो गैसेस हैं, इनको हमने रिप्रेजेंट किया गैस ए और गैस बी, ठीक है बेटा।
दोनों ही गैसेस का जो वॉल्यूम था वो हमने सेम लिया है, और लेट अस से कि दोनों ही गैसेस का जो प्रेशर है वो भी सेम है, राइट? सो बाय द हेल्प ऑफ काइनेटिक थ्योरी फॉर गैस ए आई कैन राइट डाउन प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 कैपिटल एम वन अपॉन वी एंड सी वन स्क्वायर, राइट बेटा? जहां पर कैपिटल एम हमें याद रखना होगा अपने पुराने नोटेशन से, पुराना नोटेशन जो हमने दिया है कि एम वन क्या है और वी क्या है और सी क्या है और प्रेशर पी क्या है, राइट? सो एम वन इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ गैस ए, राइट? वी इट्स वॉल्यूम एंड सी वन इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस ए, राइट? सो दिस इज फॉर गैस ए, एंड फॉर गैस बी वी कैन राइट डाउन, देखिए बेटा प्रेशर हमने सेम लिया है दोनों गैसेस का, सो 1/3 एम टू वी एंड सी टू स्क्वायर, राइट? नाउ इट इज वेरी मच क्लियर फ्रॉम दीज टू स्टेटमेंट कि वी कैन इक्वेट दैम, ठीक है, एक दूसरे के बराबर इन्हें रखा जा सकता है. सो इन दैट केस वॉट विल वी हैव, देखिए बेटा ये 1/3 और v ये तो कट जाएगा दोनों तरफ से, सो वॉट विल वी हैव इज एम वन सी वन स्क्वायर इज इक्वल टू एम टू सी टू स्क्वायर, राइट? चलिए इसको हम डिनोट कर देते हैं बाय इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाउ बिकॉज के टेम्परेचर जो है बेटा वो कांस्टेंट है, बिकॉज बिकॉज टेम्परेचर ऑफ बोथ द गैस गैसेस इज सेम. बेटा अगर ऐसा है और ऐसा है, राइट? सो द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ द गैस विल बी सेम, राइट? सो इन दैट केस एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस ए इज इक्वल टू एवरेज एनर्जी ऑफ एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस बी, दोनों गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी एवरेज एनर्जी जो है वो बेसिकली सेम होगी. और यहां पर हम किस एनर्जी की बात कर रहे हैं बेटा? बेसिकली हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर, राइट? सो द काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस ए, बेटा उसको अगर मैं फॉर्मूले से लिखूं यहां पर रिप्रेजेंट करूं, तो दैट विल बी हाफ एम वन सी वन का स्क्वायर. बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ वी की जगह तो हम सी ले रहे हैं, दैट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड, राइट? और व्हाट इज एम वन? बेसिकली एम वन इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस ए, राइट? इट विल इक्वल टू हाफ एम टू सी टू स्क्वायर. So what is m2? m2 is basically mass of one molecule of gas b. देखिए बेटा ये जो notations हैं जो हमने alphabets लिए हैं चीजों को represent करने के लिए, ये बहुत important है, इनमें हमें confusion नहीं होना चाहिए, right? Capital m1 means total mass of a gas.
and small m1 means एक मॉलिक्यूल का मास, राइट? तो बेटा इस इक्वेशन को हमने कंसीडर किया है, लेट अस से इक्वेशन नंबर 2, एंड नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2. और बेटा इक्वेशन नंबर 2 में ये हाफ तो बेसिकली कट हो ही जाएगा, सो व्हाट वी हैव लेफ्ट विद m1 c1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 c2 का स्क्वायर. तो चलिए अब इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, राइट? सो व्हाट वी हैव इज कैपिटल m1 c1 स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल m1 c1 स्क्वायर एंड कैपिटल m2 c2 स्क्वायर इज इक्वल टू डिवाइड बाय स्मॉल m2 c2 स्क्वायर, राइट? सो बेटा ये तो कैंसिल आउट हो गया, सो व्हाट वी हैव लेफ्ट विद m1 अपॉन स्मॉल m1 एंड m2 अपॉन स्मॉल m2, राइट? नाउ बेटा अगर गैस ए के टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमने ले लिया है n1, टोटल मॉलिक्यूल ऑफ गैस ए, और बेटा n2 को ले लिया है मैंने टोटल मॉलिक्यूल ऑफ गैस बी, राइट? सो टोटल मास निकालने के लिए बेटा गैस ए का मुझे क्या करना होगा, अगर मैं ये टोटल मॉलिक्यूल ऑफ गैस ए को एक मॉलिक्यूल के मास के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे टोटल मास ऑफ गैस ए मिल जाएगा, राइट? सो व्हाट आई कैन राइट डाउन दैट m1 इज इक्वल टू स्मॉल m1 इनटू n1, राइट? सो दिस प्रोडक्ट इज बेसिकली नथिंग बट m1, दैट इज टोटल मास ऑफ गैस ए, राइट? And on the same logic, I can write down m2 is equal to, capital M2 is equal to small m2 into small m2 into n2, right? अब बेटा ये relationship जो है इस equation में हमको substitute कर देना है, right? So what we have small m1 into n1 divide by small m1 and small m2 into n2 divide by small m2. So beta small m1 say small m1 cancel out, small m2 say small m2 cancel out. So what we have left with, it is nothing but n1 is equal to n2, right? Or beta ye hi hame proof karna tha. So it is that in identical conditions of pressure and temperatures, same volume of gases have same number of molecules in them.